इंदौर के श्याम नगर में तीसरे साल श्याम नगर गणेश उत्सव समिति द्वारा भगवान श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। साथ ही 10 दिनों तक सुंदरकांड, भजन संध्या सहित अन्य धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। वहीं शनिवार की शाम को महाआरती के पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया, जिसका सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। वैसे तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और माँ अहिल्या की नगरी में हर त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, फिर चाहे रंगपंचमी की गैर हो या गणेश उत्सव, हर त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं बात करें इंदौर के श्याम नगर की, तो तीसरे साल भी श्याम नगर के राजा गणेश उत्सव समिति द्वारा भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई, जहां प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की महाआरती के साथ ही प्रसादी का वितरण किया जाता है। आज महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है, सभी महिला शक्ति भी आ रही हैं। अभी 9:30 बजे के करीब कार्यक्रम होगा, तो सभी इकट्ठे होंगे। और कल का जो है भंडारे का कार्यक्रम, शाही भंडारा, जो बहुत ही व्यवस्थित, हाँ 1,000-1,500 तो हो ही जाएंगे करीब करीब, लेकिन बहुत व्यवस्थित करते हैं हम लोग। और बिल्कुल आपके कोरोना का ध्यान रखते हुए हम पैकेट, या तो पैकेट में कर देते हैं या फिर अलग अलग सबको व्यवस्थित बिठा के खिलाते हैं, परंतु बकायदा सब व्यवस्था रखते हैं और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है इस कार्य। तो पिछली बार हमने क्या किया था, पैकेट पैक करके सबको बांट दिया था। इस बार भी अभी देखो, यदि रहा तो फिर पैकेट ही पैक करके देंगे सबको। वहीं दीनदयाल मंडल उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी सहित श्याम नगर के राजा गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 3 सालों से गणेश प्रतिमा की स्थापना की जा रही है, जिसमें 10 दिनों तक सुंदरकांड, भजन संध्या सहित अन्य आयोजन होते हैं। साथ ही अनंत चतुर्दशी पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। कल पूरे श्याम नगर राजा गणेश उत्सव समिति के 10 दिवसीय पूजन का समापन है। उसके उपलक्ष में महायज्ञ एवं शाही भंडारा, भंडारे में हम बैठक व्यवस्था सब भंडारों से अलग प्रकार की करते हैं, और इसके अंदर पूरे श्याम नगर रो हाउस के पूरे परिवार को हम आमंत्रित करते हैं, और शानदार भंडारा यहाँ पर हम लगभग 1.5 से 2,000 लोगों को हमने निमंत्रित किया है, पूरे परिवारों को। श्याम नगर परिवार के को कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा, मास्क वगैरह की जितनी भी सावधानियाँ हम गवर्नमेंट की तरफ से की गई उसका पूरा ध्यान रखते हुए हम ये भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, हमारी ये श्याम नगर कॉलोनी सभी लोगों की एकता और अखंडता वाली कॉलोनी है, सभी लोग हिल मिलजुल के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी कमेटी श्याम नगर के राजा उत्सव समिति पिछले 3 वर्ष से ये कार्यक्रम लगातार करवाते आ रही है। पहले साल हमने 3,000 लोगों का भंडारा करवाया था, पिछले साल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने पैकेट में 2,200 लोगों को खाना खिलाया। इस बार, इस साल भी हम पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए रोज़ महाआरती हो रही है, रोज़ महाप्रसादी हो रही है, और रोज़ नए नए आयोजन हो रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ भजन संध्या हुई, कल आज सुंदरकांड का आयोजन है, और आज अभी आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग महाप्रसादी में कभी खीर और हलवे का प्रसाद वितरण होता है, और सभी लोग एकजुट होकर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेने आता है, और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहता है। इंद्र देवता की मेहरबानी भी रहती है, नहीं रहे फिर भी ये कार्यक्रम हमारे श्याम नगर के राजा का कार्यक्रम होता है। हमारी टीम में श्री राजेश गोयल जी, श्री चंदेल जी, श्री बीके राठौर जी, प्रशांत जोशी जी, सेतु भाई, श्री माहौर जी, और सभी हमारे अमरेश भाई, सभी हमारी टीम पर, पूरी कॉलोनी के समस्त अभिनय आडिया जी, सभी लोग रहते हैं, समस्त श्याम नगर के लोग, और ये कार्यक्रम में बहुत आनंद आता है। हमारी मातृ शक्तियाँ भी हमारे बीच में मौजूद रहती है, और ये कार्यक्रम हमें बहुत
अच्छा लग रहा है, बहुत उसका हमको आनंद मिल रहा है और सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। गणेश जी इसी प्रकार कृपा बना के रखें। फिलहाल आरती में शामिल सभी भक्तों ने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से कोरोना विघ्न को खत्म करने के साथ ही सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।